वेलकम गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे शाइन, सी बी शाइन या स्प्लेंडर, सभी में ये जो स्विच की प्रॉब्लम आती है, यानी कि ऑन ऑफ करने पे गाड़ी कभी कभी करंट पास नहीं होता तो गाड़ी बंद पड़ने में लगती है या तो चाबी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसकी वजह से गाड़ी रनिंग में शट ऑफ होने का चांसेस बढ़ जाता है, सेल्फ वगैरह लेने का मतलब टोटल सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे आज। तो सबसे पहले ये हेड वाइजर खोलने के बाद ये तो मीटर के जो तीन नट है 10 नंबर्स के, इसको खोलना है आपको और ये ऊपर उठ जाएगा। उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये केबल भी खोल लेनी है, स्पीडोमीटर केबल। फिर इसको ऊपर कर लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है, ये फॉक के जो 12 नंबर के नट है बोल्ट, और ये जो 20 नंबर का टी का नट है, इसे खोल लेना है। तो मैं खोल लिया है मैंने, ये तीनों खोल लिया है मैंने, आपको दिखाता हूँ। सिंपली आप इसको एक हैंड से ऊपर कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा टी, इसका जो कवर होता है। इसके बाद ये जो अंदर दो आपको स्क्रू दिख रहे होंगे, इसको आपको खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये इजीली खुल जाएगा, बस थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा आपको। अभी मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये आ गया बाहर, इसके आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ये जो कवर लगा है ऊपर का, इसको खोलना है। ये कवर निकलती है, देख सकते हैं आप, अंदर बहुत सारा कार्बन रस्ट पकड़ा है, कार्बन पकड़ा है पूरा इसके अंदर, जिसकी वजह से स्विच में ऑन ऑफ का कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको भी खोलेंगे और दिखाएंगे साइड से कैसे खोलते हैं। तो ये जो मार्किंग कर लेनी है इसके ऊपर कि रिटर्न लगाने के टाइम फिर से सही से लग जाए। तो मैंने खोल लिया इसको, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे खोलना है। ये जो कवर है, यहाँ से आपको स्क्रू ड्राइवर लगाना है और पीछे से एक स्क्रू ड्राइवर लगाना है और ऊपर की तरफ पुश करना है, ये खुल जाएगा बाहर, जैसे कि मैंने कर लिया था। ये देख सकते हैं अंदर आप कितना रस्ट पकड़ा है, ये कार्बन पूरा इधर ही आ गया है, बैटरी का कार्बन। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले, ये जो पूरा इसका ये है इसको क्लीन कर लेना है, नीचे वाले को भी। तो मैंने इसको साफ तो कर लिया, ये अभी ठीक तो लग रहा है, इसको चेक करके देखेंगे हम लोग। अभी ये पूरा साफ़ करके इसको रिटर्न, ये जो पीछे की मैंने आपको मार्किंग दिखाई थी आपको, वैसे इसको सेट करना है। ये जो मार्क मैंने करके लिया था इसको वैसे ही लगाना है ताकि इसका कनेक्शन वापस सेट हो जाए। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ इसको। तो यहीं से मैंने इसको कनेक्शन लगा लिया है, आप भी यहीं से लगा के चेक कर लेना एक बार। एक हाथ से करना हो माफ़ करना क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है करने में। तो ये वन ऑफ तो हो रहा है सही से, देख पा रहे हैं आप, ये हिलने पे भी वन नहीं हो रहा है। और जैसे कि देख रहा हूँ मैं, ये ऑन ऑफ एकदम सही से ले रहा है। तो मैं इसको अभी काम करूँगा, इसको गाड़ी में फिट करके फिर से चेक करूँगा, थोड़ा ट्रायल करके गाड़ी को, बाकी ये ओके है। तो गाड़ी में मैंने लगा लिया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही से। ये काम तो कर रहा है एकदम परफेक्ट, यानी कि अभी जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें कनेक्शन लॉस्ट हो जा रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही थी, निकल गया। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।